हेलो गेट्सेटफ्लायर्स, गौरव हियर। और क्या आप जानते हो, साल 1999 में चाइना के 15 साल के बच्चे ने नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी को चुटकियों में हैक करके दिखाया। यस, सिर्फ 15 साल के बच्चे ने। बट क्या नासा के सिस्टम्स को हैक करना इतना आसान है कि चाइना के बच्चे ने ये कर दिया? क्या चाइना के बच्चे इतने शातिर है? वेल, यूएस तो चाइना के शातिर दिमाग पर बेट करता है, क्योंकि यूएस के अनुसार चाइना का 2007 में किया हुआ एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन आईएसएस को डिस्ट्रॉय करने के लिए रची हुई एक साजिश थी। पर यूएस का ये बयान क्या सच है? क्योंकि नासा के अनुसार चाइना ने नासा के 5408 लैपटॉप्स को हैक करके उसमें से सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा, इंक्लूडिंग आईएसएस कमांड और कंट्रोल एल्गोरिदम्स हैक किया, जिसकी वजह से 2011 में चाइना को आईएसएस से बैन कर दिया गया। वेल, दैट्स अ सीरियस इशू, राइट? लेकिन क्या चाइना को आईएसएस से बैन करने का ये एकमात्र रीजन था, या बात कुछ और भी थी? वेल, आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या वजह थी जिसके बेसिस पर चाइना को आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बैन कर दिया गया। इन टुडेज वीडियो टाइटल्ड व्हाई इज चाइना बैन्ड फ्रॉम द आईएसएस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज मिलकर अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है। और साल 1998 में हुए आईएसएस के फर्स्ट लॉन्च के बाद ही 12 कंट्रीज जैसे कनाडा, जापान, रशिया, यूएस और 11 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और द यूनाइटेड किंगडम ने आईएसएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तब यूएन का परमानेंट मेंबर जैसी हाई पोजिशन होल्ड करने वाला चाइना कहां था? आई मीन, इवन इफ चाइना ने अपनी फर्स्ट स्पेस एजेंसी बस 1993 में ही एस्टैब्लिश की थी, चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी CAST के डिप्यूटी चीफ इंजीनियर बाय लिनहाओ के अनुसार उन्हें आईएसएस के साथ कोलैबोरेट करने में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आईएसएस ने चाइना के इस प्रस्ताव को कभी मंजूरी नहीं दी। एंड इनफैक्ट उन्हें आईएसएस में कदम रखने तक से मना कर दिया था। बट जब आईएसएस एस्टैब्लिश करने के पीछे का मेन मकसद ही था सभी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन हासिल करना, तो फिर चाइना जैसी एक इकोनॉमिकली स्टेबल देश को क्यों इससे बाहर रखा गया? और आखिर 2011 में ऐसा क्या हुआ यूएस को कि चाइना को ऑफिशियली आईएसएस पर बैन घोषित करना पड़ गया उसे? वेल, इनिशियली चाइना के प्रपोजल के बाद आईएसएस का ये कहना था कि क्योंकि चाइनीज स्पेस एजेंसी आईएसएस एस्टैब्लिश होने के जस्ट 5 साल पहले ही फॉर्म हुई थी, वो स्पेस मिशन के लिए अभी इनएक्सपीरियंस थे और इसीलिए वो आईएसएस के किसी भी मिशन के लिए अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। एंड इंटरेस्टिंगली सभी कंट्रीज इस बात को माने भी। लेकिन फिर आया साल 2003, जिसमें चाइना ने सभी कंट्रीज को चौंका कर रख दिया। उन्होंने बिना किसी बाहरी स्पेस एजेंसी की मदद लिए अपना फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिससे यूएस और रशिया के बाद चाइना वो तीसरा ऐसा नेशन बना जिसने खुद के बलबूते पर स्पेस में सफलता हासिल की। नाउ चाइना के इसी सक्सेस के बाद आईएसएस के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी जो चाइना को आईएसएस पर कदम रखने से रोक सके, राइट? बट देन अगेन, एक सक्सेसफुल मिशन के बावजूद भी चाइना को आईएसएस पर एंट्री नहीं दी गई, जिससे उसके मन में एक बात तो अब बिल्कुल साफ हो गई कि उसे बैन करने के पीछे का मुख्य रीजन कभी उनका इनएक्सपीरियंस होना तो असल में था ही नहीं, बल्कि इस बैन के पीछे का मुख्य कारण था यूएस। क्योंकि यूएस और चाइना के बीच ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे जो यूएस ने आईएसएस के बनने से पहले भी चर्चित किए थे। यूएस हमेशा से कहते आ रहा है कि चाइना पर भरोसा करना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और इसीलिए वो उन्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते थे जिससे वो नासा की टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा सके। यूएस का कहना है कि चाइना उनकी हर छोटी बड़ी बातों पर नजरें गड़ाए बैठा है, वो भी इतना कि बस किसी कंट्री का नाम पुकारने की देरी है और चाइना अगले ही मिनट उस देश के खिलाफ सभी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन खोज निकालने के काम पर लग जाता है। और साथ ही उनका सीधा सीधा कहना है कि चाइना एक चोर है जो हमेशा से यूएस की टेक्नोलॉजी को चुरा कर उसे अपना न्यू इन्वेंशन बताकर बेचता है। ऊपर से साइबर अटैक्स के बारे में तो क्या ही कहना, उसमें तो चाइना का कोई हाथ तक नहीं पकड़ सकता, उस मामले में तो वो अलग ही लीग में चल रहा है। और इन्हीं सब ग्रेव कंसर्न्स के कारण यूएस ने आईएसएस पर चाइना को बैन किया। बट यूएस ऐसी इकलौती कंट्री नहीं है जिसे चाइना पर से विश्वास उठा हुआ है। वेल, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पबजी जैसे कई चाइनीज ऐप्स जिन्हें रिसेंटली सिक्योरिटी रीजंस के चलते इंडिया, जापान और यूएस ने बैन किया था, उन्हें चाइना के सबसे बड़े एलाय उनके हमसफर यानी रशिया ने तक बैन किया हुआ है।
इनफैक्ट रशिया ने उसके और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर में आईएसएस को चाइना पर गिराने की भी धमकी की है। अब आप ही सोचो, यहाँ रशिया जो उनका दोस्त है उसको तक चाइना पर भरोसा नहीं है और ना ही चाइना की कोई चिंता, तो यूएस जिसका सब कुछ चोरी किया जा रहा है वो कैसे भरोसा करेगा? क्योंकि इस बैन के पीछे के रीजन ही है चाइना की हरकतें। अकॉर्डिंग टू मेनी जियोपॉलिटिकल थिंकर्स, चाइना के आईएसएस पर बैन होने के पीछे तीन रीजन है मेजर वाले, जिसमें से पहला है उसका कॉपीकैट नेचर। 1970s यानी वो दशक जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और बाहरी दुनिया के पैसे और पावर का खुद को चस्का लगाया। चाइना एक इमैच्योर बच्चे की तरह उसमें पैसे आते ही दुनिया को रूल करने का सपना देखने लग गया और शुरू हुई चाइना के कांडों की। यूएस के लॉरेंस लिवरमोर लेबोरेटरी से W-70 वॉरहेड के डिजाइन की चोरी करना और फिर सेम डिजाइन पर अपने नए वॉरहेड्स बनाना। लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट इवन द टिप ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इनफैक्ट ऐसे मान लो कि यहां से तो चाइना का यूएस की टेक्नोलॉजी को चुराने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि 1996 में भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने यूएस के नेशनल वेपन्स लेबोरेटरी में से न्यूट्रॉन बॉम्ब की टेक्नोलॉजी को चुराया और उसके खिलाफ रिपोर्ट करने के बाद भी अपने हरकतों को जारी रखा। उसने फिर एक बार साल 1999 में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM आर्सेनल में मौजूद हर एक थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड के साथ साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, नेवल प्रोपल्शन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भी चोरी किया और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाया। यानी टेक्निकली उनके पास यूएस की ऑलमोस्ट हर एक टेक्नोलॉजी की जानकारी मौजूद है। नो वंडर आईएसएस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला यूएस कंसिडर्स चाइना एज इट्स एनिमी। बट जैसे कि हम सभी जानते हैं, चाइना कौन सा कांड करने से बाज आने वाला था। उसकी हरकतें तो उल्टा गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसने धीरे धीरे यूएस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले चाइनीज लोगों की मदद से यूएस के टॉप सीक्रेट डेटा को चाइना भेजना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चाइना यूएस टेक्नोलॉजी को मास प्रोड्यूस करके दुनिया में छा गया और यूएस बेचारा जो इन्वेंशन में लगा था इस रेस में पीछे छूट गया। इन शॉर्ट, अमेरिकन्स मेहनत करके टेक्नोलॉजीज पर टेक्नोलॉजीज बना रहे थे और चाइनीज साले उनका क्लोन बनाकर मार्केट में आगे बढ़ रहे थे, जिसके दम पर चाइना ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की फील्ड में तीसरा नंबर कमा लिया, वो भी फोकट में। अब चाइना के इसी कॉपीकैट नेचर के साथ साथ चाइना एक और एक चीज में भी इन्वॉल्व था और वो अकॉर्डिंग टू यूएस थी आईएसएस को तबाह करने की साजिश। यूएस के अनुसार साल 2007 में चाइना की तरफ से किए गए एंटी सैटेलाइट मिशंस के पीछे का असली मकसद भी सिर्फ अपने खुद के वेदर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि वो बाकी कंट्रीज के सैटेलाइट्स को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि उनके डिब्रीज से उसी ऑर्बिट में घूम रहे आईएसएस को भारी डैमेज उठाना पड़े। क्योंकि जब चाइनीज वेदर सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हुआ था तब उसके करीबन 2000 से भी ज्यादा टुकड़े हुए थे, जो कि सालों तक लो अर्थ ऑर्बिट में बाकी सैटेलाइट्स के सर पर खतरे की तरह मंडरा रहे थे। मतलब कभी भी कोई डिब्री आईएसएस या बाकी सैटेलाइट से टकरा सकता था। बट इस टकराव के साथ कुछ और भी थे जो टकरा रहे थे, यूएस के चाइना पर पॉलिटिकल अटैक्स और चाइना के यूएस पर, और चाइना के यूएस पर साइबर अटैक्स। भले ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज की लिस्ट में चाइना थर्ड रैंक पर आता हो, साइबर अटैक्स के मामले में चाइना का सामना शायद ही कोई देश कर पाए, क्योंकि वो तो बच्चों को तक नासा पर स्पाई करने के लिए इस्तेमाल कर चुका है। 1999 में एक 15 साल से भी छोटे चाइनीज बच्चे ने नासा के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया था, वो भी चुटकियों में। कैन यू बिलीव दैट, एक 15 साल का बच्चा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना के बाद एक और ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से चाइना पर भरोसा करना यूएस के लिए मानो नामुमकिन सा हो गया। चाइनीज हैकर्स ने फिर एक बार नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL को हैक किया, जो बेसिकली नासा के स्पेस टेक्नोलॉजी के ताज पर लगा हुआ एक हीरा है जो प्लैनेटरी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करता है। साथ ही ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि साल भर में होने वाले सभी एस्ट्रोनॉमिकल मिशंस को भी इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकता है। नाउ इमेजिन, चाइना ने नासा की इस मुख्य लेबोरेटरी पर हाथ मारा और उसने सिर्फ चोरी नहीं बल्कि सभी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को डिलीट किया। साथ ही उन्होंने सिस्टम में अपना एक हैकिंग टूल इंस्टॉल किया, नासा के मिशन क्रिटिकल सिस्टम में अपना अकाउंट ऐड किया ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक आसानी से पहुंचती रहे। दिमाग देख रहे हो? वेल, काश लेकिन चाइना ने ये दिमाग इन्वेंशंस में लगाए होते इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो शायद आज वो फर्स्ट रैंक पर होता। पर नहीं, आदत से मजबूर इस चाइना ने साल 2006 में फिर एक बार यूएस के खिलाफ टेक्नोलॉजी थेफ्ट कैंपेन शुरू किया, जिसमें चाइना के APT-10
ग्रुप के कॉन्स्पिरेटर्स जू और जैंग ने यूएस के 12 स्टेट्स में प्रेजेंटली 45 टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जैसे कि एविएशन, नेवी, स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नासा गोडार्ड स्पेस सेंटर और जेट प्रोपल्शन सिस्टम जैसे कई और कंपनीज का डेटा चोरी किया। यानी किसी बैंक में डाले हुए डाके की तरह उन्होंने सारा माल चुटकियों में साफ कर दिया। और फाइनली 2010 और 2011 में मिले नासा के रिपोर्ट के अनुसार उनके टोटल 5408 कंप्यूटर सिस्टम्स में छेड़खानी की गई है। और ये छेड़खानी के साथ चाइना को ISS के लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स जिसमें ISS को कंट्रोल और कमांड करने के एल्गोरिदम शामिल थे वो चुराने में भी सफलता मिली। अब इसको मद्देनजर रखते हुए यूएस ने उनके खिलाफ कई बार एक्शंस भी लिए हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने पक्के सबूत होने के बावजूद भी अपने हाथ खड़े कर दिए, जिससे चाइनीज हैकर्स को और मोटिवेशन मिलता गया और उनकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती चली गई। जैसे कि यूएस चाइना कोल्ड वॉर जो बन गया ट्रेड वॉर। चाइना की हरकतों की वजह से यूएस और चाइना के बीच सदियों से चलता आया कोल्ड वॉर कभी खत्म ही नहीं हुआ। और हद तो तब हो गई जब चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सीक्रेट्स नहीं बल्कि ट्रेड सीक्रेट्स को चुराने लग गई। इनफैक्ट एक वक्त तो ऐसा भी आया कि चाइनीज गवर्नमेंट यूएस कंपनीज को सिर्फ अपनी सारी टेक्नोलॉजीज हैंडओवर करने के लिए भी प्रेशराइज करने लग गई, जिससे यूएस चाइना कोल्ड वॉर अब ट्रेड वॉर में भी तब्दील हो गया। और चाइना की इन्हीं सारी हरकतों के बाद जब पानी यूएस के नाक के ऊपर से जाने लगा तब साल 2011 के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड फुल ईयर कंटिन्यूइंग अप्रोप्रिएशंस एक्ट के सेक्शन 1340 के तहत यूएस गवर्नमेंट ने नासा या अन्य किसी भी यूएस डिफेंस और गवर्नमेंट एजेंसीज पर चाइना के साथ कोलैबोरेट करने पर रोक लगा दी, इंक्लूडिंग ISS। पर बैन लगने के बाद ISS कभी ना कभी तो बैन हटाएगा ही, इस उम्मीद में चाइना हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहा। बीइंग अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री उसने खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाया जिसका नाम रखा टियानगोंग। 2011 यानी जिस साल चाइना पर ऑफिशियल बैन लगा उसी साल सितंबर 29 को चाइना ने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट एवर टियानगोंग 1 स्पेस स्टेशन भी लॉन्च किया, जिसके बाद उन्होंने बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ ली और साल 2016 आते आते अपना दूसरा स्पेस स्टेशन टियानगोंग 2 भी लॉन्च कर दिया। इनफैक्ट उनके तो स्पेस संबंधित फ्यूचर प्लान्स भी बनकर रेडी है जिनके अंतर्गत वो साल 2024 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप की तरह एक ऑर्बिटिंग टेलीस्कोप लॉन्च करने वाले हैं। बट जहां वो एक टेलीस्कोप लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं रशिया उन पे ISS को गिराने की प्लानिंग में लगा हुआ है। यस, ISS का क्रैश इन चाइना। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे इस वॉर में रशिया और यूएस के बीच मनमुटाव बढ़ते ही जा रहा है। इनफैक्ट यूएस ने रशिया के इस हरकत के लिए उनके साथ के सारे फाइनेंशियल टाइज तोड़ने के बारे में भी बात की है। और इतना ही नहीं बल्कि हाईटेक इंपोर्ट भी बंद करवा दिया ताकि वो रशिया के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को डिग्रेड कर सके। अब एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ही नहीं चलेगी तो स्पेस प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। और ये बात जैसे ही रशिया को समझी उसने ISS का ऑर्बिटिंग कंट्रोल जो उसके हाथों में है उसे डी ऑर्बिट करने की धमकी दे दी, जिसकी वजह से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया और चाइना पर भी ISS गिर सकता है। अब इस वॉर में तो इंडिया और चाइना तो रशिया के एलाइज है और यूरोपियन कंट्रीज और यूएस उसके एनिमीज, तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से रशिया ने इंडिया का नाम बाकी कंट्रीज के साथ लिया है, या फिर ये रशिया की यूएस को गुमराह करने की कोई एक नई स्ट्रेटेजी है? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? वेल, चोरी कर करके ये देश क्या बन गया, लेकिन फिर भी आज के तारीख में चाइना से बड़ा थ्रेट दुनिया को शायद ही कोई देश होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में फ्रेंड्स? चाइना की ये सब हरकतों के बाद क्या यूएस को ISS में चाइना को शामिल करना चाहिए था या फिर नहीं? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और आज स्क्रीन पर दिखने वाले ये तीन वीडियोस को बिल्कुल चेक करना, आपका ज्ञान और बढ़ेगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।